क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3 अपॉन 2, सेकंड पावर 32 की पावर 2 अपॉन 5, थर्ड है 16 की पावर 3 अपॉन 4, फोर्थ 125 की पावर -1/3। एक्सपोनेंट्स जो लॉज एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से इनको सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का। उसी तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड होल टू द पावर 3 अपॉन 2। सो 3 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2, ये कैसे हुआ हमें यहाँ मेंशन करना चाहिए एग्जाम में जरूर, यूजिंग लॉ a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। सो 2 कैंसिल, 3 क्यूब मीन्स 27। सो दिस इज अवर आंसर। हाँ स्टूडेंट 32 की पावर 2/5, तो इसको देखिए 5 नीचे है, इस पर अपने फोकस करना है 2^5, वही यहाँ पे पावर लेना है जो इस तरफ है, तो 2^5। नाउ अगेन यूजिंग द सेम लॉ जो हम करते हुए आ रहे हैं उसको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में हर बार अगर क्वेश्चन आता है तो मेंशन करना है, इसके मार्क्स मिलते हैं 5 and 2/5। तो दिस इज कैंसिल, सो इट इज 2^4। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट सी थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 लेना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द 4 square, बिकॉज 4 square इज ऑल्सो 16, बट वी आर नॉट टेकिंग 4 square बिकॉज यहाँ 2 है, 3/4 सॉल्व हो जाएगा बट और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। सो वी विल टेक यर 3/4, सो 2^4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 विल बी कैंसिल, 2^3, सो आंसर इज 8। नाउ सी 125 की पावर -1/3, तो मीन्स यहाँ 5 की पावर 3, क्योंकि 5 125 होता है, -1/3। अब यहाँ ये बाहर आके 3 into -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1, ये -1 यहाँ रह जाएगा, प्लस होता तो 5 की पावर 1 और 5 ही होता, बट माइनस है तो 5 की पावर -1। और अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5, 5 की पावर -1 यानी नीचे जाके पावर 1 हो जाएगी, प्लस में 1/5। और 1/5 करने में हमने किस लॉ का यूज़ किया, यूजिंग a^-m = 1/a^m।